मेरे माँ बाप रेणु सागर कोलगेट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में रहते हैं। मैं अनपरा थाना रेणु सागर चौकी से 2 साल से परेशान हूँ। इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणु सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्याने ने 25,000 रुपये का डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है, इसके बाद भी वो 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के एसओ ने वहां से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रिमसागर पावर प्लांट से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री और पजरी की 5 हड्डियां टूट गई। माँ दवा भी लेके गई पापा का, फिर भी अनपरा एसओ ने देने से मना कर दिया। इसी से वो लोग डर के गांव चले गए और रेणु सागर का घर छोड़ दिए। 28 अप्रैल को हमारे घर में चोरी हो जाती है। 29 अप्रैल को रेणु सागर चौकी इंचार्ज को बताया, उन्होंने FIR लिखने से मना कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में उसे पता है कि कोई दूर का चोर पूरा घर खाली नहीं कर सकता, बगल का ही होगा जो कि टप्पू विश्वकर्मा है। और टप्पू विश्वकर्मा के पास सिपाही गोरखनाथ अपने पूरे टीम के साथ वहां पे बैठते उठते हैं, दारू खाते पीते हैं। इसके साथ वो चोरों का सरगना है, जितनी चोरी होती है सबका कमीशन गोरख यादव का देते हैं। मेरी FIR 5 मई तक नहीं लिखा गया तो मैंने SP साहब को सारी बातें बताई और एप्लीकेशन भेजा। 6 मई को मैंने IG को पास फोन किया, बात किया और एप्लीकेशन भेजा। 7 मई DGP को से बात किया और एप्लीकेशन भेजा, तब जाके FIR लिखा गया। ये एक एप्लीकेशन मेरे पास आई जो सेना में जवान है उसकी एप्लीकेशन है, उसके संबंध में मैंने जांच से पिपरी को दी है और उसने एक चोरी का मुकदमा भी अपने घर में चोरी का मुकदमा लिखा है जिसका अभी तक अनावरण नहीं हो पाया है। इसके संबंध में भी SHO अनपरा को और यहाँ से SWAT की टीम को दोनों को जिम्मेदारी दी गई है कि शीघ्र ही इसमें कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण कराएं और उस पत्र में जो भी आरोप हैं उसकी जांच से पिपरी कर रहे हैं, शीघ्र ही उनकी जाँच के आधार पर कार्रवाई करें। चौकी पुलिस और एक सिपाही और उसके जो सहयोगी हैं सिपाही के, उन लोग पे काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं कि रात रात में छापा मारते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं और फर्जी मुकदमे फंसाने के, तो इस पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे? उसका जो एप्लीकेशन है वो CO पिपरी को दे दिया है, CO पिपरी इस पर जाँच कर रहे हैं, उनकी जाँच आख्या के आधार पर जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई।